नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है एंड ऑप्शन बायर्स है तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखी गया तो रैली अक्सर हम लोग का हाथ से छूट जाता है। और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो देखिए ये आज को मैं 52,800 का पुट का चार्ट लगाया हूँ। आज को मार्केट ओपन होते ही आपको यहाँ पर एक कॉल दिख रहा है बाइंग का, जो ग्रीन कलर का एरो है आपका बाय का कॉल है, बट ये बाय का कॉल का ऊपर में आपको एक रेड कलर का स्टार भी दिख रहा है। मतलब बाय का कॉल में ग्रीन कलर का स्टार होना चाहिए बट ये है रेड कलर का स्टार, मतलब बाइंग का कॉल तो बन रहा है बट ब्रेकआउट आपको सेलिंग के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप का कंफ्यूजन सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर सेलिंग का कॉल बन गया, तो ये जो सेल का कॉल बना है एक्चुअली यहाँ पर तीन कंडीशन होता है जब भी कोई कॉल बनेगा, आपको तीन चीज देखना है। एक है नीचे का रिबन का कलर क्या है, सेलिंग में रेड रहेगा जैसे नीचे दिख रहा है रेड है, सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा जो स्टार मुझे बाय वाला कॉल में मिल गया है, और तीसरा कंडीशन है ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जिसका कलर को रेड होना चाहिए और ये व्हाइट का नीचे होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच होते हैं तभी जाके किसी कॉल का स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो चलिए देखते हैं इस कॉल में किस हिसाब से मूवमेंट होता है और कब तक हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए एंट्री लेने के बाद मैं बार बार एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, वो है एग्जिट, क्योंकि टारगेट बोल के कोई चीज होता नहीं है। टारगेट का एक लेवल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है ये जो व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन है ये आपका ब्रेकडाउन लाइन है, और उसका भी नीचे एक रेड कलर का डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट लाइन है। तो ये दोनों लाइन को देखते हुए जस्ट आपको एक आइडिया मिल सकता है जो मार्केट कितना मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, बट हमेशा फोकस कीजिएगा ऑन योर एग्जिट। अगर एग्जिट मार्केट रेंज तक नहीं गया, उसका पहले रिवर्स हो गया, तो एग्जिट आपको पहले करा देगा। जैसे देखिए यहां पर ये जो दोनों लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में क्रॉस ओवर होकर इसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, और उसके साथ साथ हम नीचे का तरफ ब्रिक्स का तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ब्रिक्स का कलर जब तक ये व्हाइट का ऊपर नहीं जाएगा, जैसे यहां पर ये व्हाइट का ऊपर चला गया तो इसका मतलब यहां से आपका जो सेंटिमेंट है मार्केट का चेंज हो रहा है, बट उसका पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये जो कैंडल है ये ब्रेकडाउन जोन को टच किया है, मतलब एक लेवल को ऑलरेडी टच किया है मार्केट ने, तो ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है ब्रेकडाउन एंड सपोर्ट लेवल सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए ब्रेकडाउन एक लेवल होता है, तो इसको टच किया सपोर्ट तक नहीं गया उसका पहले मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन होकर व्हाइट का ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है यहां से आपका बाइंग ट्रेंड शुरुआत हो गया। नीचे का रिबन ग्रीन हो गया है, देखिए अभी यहां पर एक बाइंग का कॉल मुझे मिल चुका है। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये बाय का कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तीन कंडीशन का आपको देखना, देखिए बाय का कॉल का पहले ग्रीन स्टार बना है, नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट यहां पर ट्रेड तभी करना चाहिए जब ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ेगा। देखिए ब्लू कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, तो जब तक उसका हाई को ब्रेक नहीं करते तब तक कॉल कंफर्म नहीं होता। तो देखा जाए तो यहां पर देखिए दो तीन कैंडल काफी फ्लैक्चुएट किया। बैंक निफ्टी अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस को बढ़ा के रखना पड़ेगा या कैपिटल को थोड़ा उस हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एक कैंडल पे 40-50 पॉइंट का अपडाउन हो जाता है। बेसिकली देखिए अगर मैं इस कैंडल पे बाय कर रहा हूं तो मेरा बेसिक जो स्टॉप लॉस होगा ये ब्लू कैंडल का लो का नीचे, हर एक सिग्नल का पहले जो ब्लू कैंडल बनता है उसका लो का नीचे स्टॉप लॉस होता है और उसका हाई के ऊपर आपको मतलब ट्रेड लगाना पड़ता है। अल्टीमेट देखेंगे यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, बट भले ये नीचे आया था नीचे का जो रिबन है देखिए वो ग्रीन ही था, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का कलर भले रेड हुआ था बट है ये व्हाइट का ऊपर। व्हाइट का ऊपर रहने का मतलब है अभी भी इसका जो ट्रेंड है ये बाइंग का तरफ है। एंड फाइनली देखिए मार्केट पुशबैक किया और एक ग्रीन डॉटेड लाइन तक लेके चला गया, तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन रेजिस्टेंस लाइन है जो मैं पहले बताया हूँ, नीचे का रेड डॉटेड लाइन है सपोर्ट, ऊपर का ग्रीन डॉटेड लाइन है रेजिस्टेंस, और ग्रीन डॉटेड लाइन का बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है ये है ब्रेकआउट लेवल। जैसा नीचे में ब्रेकडाउन लेवल होता है ऊपर में ब्रेकआउट लेवल होता है, रेड डॉटेड लाइन जैसा सपोर्ट होता है, ग्रीन डॉटेड लाइन रेजिस्टेंस होता है। तो उस हिसाब से भी देखिए यहां पर आप एक छोटा छोटा प्रॉफिट बना ले रहे हैं और मार्केट एकदम ब्रेकडाउन का करीब गया था बट फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन को हिट भी किया,
तो मैं अगर ब्लू कैंडल का हाई कवर बाय कर रहा हूं, तो फाइनली मुझे ब्रेकआउट का जो लेवल है जिसको देखते हुए मुझे मेरा टारगेट को सेट करना है या एक आइडिया लगाना है कि तो मार्केट कितना जा सकते हैं, तो उतना मुझे ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो ब्रेकआउट लेवल को टच करने का बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। फाइनली ब्रिक्स वाला इंडिकेटर देखिए व्हाइट का नीचे आ गया, नीचे का रिबाउंड रेड हो गया, सिग्नल भी बन गया सेलिंग का, स्टार का साथ बना, और ये सिग्नल भी वही रेड डॉटेड लाइन मतलब सपोर्ट का करीब जाने का चांसेस है, और सपोर्ट को तोड़ेगा तो ये ब्रेकडाउन तक भी जाने का चांसेस होता है। बट हमेशा एंट्री लेने के बाद फोकस ऑन योर एग्जिट, क्योंकि मार्केट है कहीं पर भी रिवर्स हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए ब्लू ब्रिक्स बनने के बाद धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू कर दिया, मतलब यहां से रिवर्सिंग का एक संकेत आपको मिल जा रहा है। फाइनली देखिए बाइंग का कॉल मिल गया, सिग्नल के साथ स्टार बना, नीचे का रिबाउंड ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, ग्रीन डॉटेड लाइन को टच किया और बेसिकली ब्रेकआउट लेवल को टच करके भी मार्केट ऊपर का तरफ मूवमेंट करना शुरू किया। तो ये तो था आज का फुल डे का परफॉर्मेंस। अगर आप फुल डे का परफॉर्मेंस का ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पर तीन चीज का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सिग्नल का सा स्टार बनना जरूरी है, नीचे का रिबन को ग्रीन होना है, ब्रिक्स ग्रीन कलर का रहेगा और व्हाइट का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये लॉजिक बहुत ही सिंपल है, और बेसिकली अगर आप ऑप्शन बायर से तो ये स्ट्रैटेजी आपका काफी काम का है। मेन चीज होता है एंट्री एंड एग्जिट, टारगेट बोल के कोई चीज नहीं होता है, बट हम लोग लेवल बना के रखते हैं टारगेट को समझने के लिए जो कितना मार्केट जा सकता है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।